हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम वी मेंटर एकेडमी। आई एम कुलदीप। लास्ट जो वीडियो था, उसमें हमने चैप्टर वन देखा था जो कि था एनवायरनमेंट। इसमें हम चैप्टर टू देखेंगे जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है, हमारी अर्थ अंदर से है कैसी, ये जानने का रीज़न क्या है। एक्चुअली में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हम रह किस पे रहे हैं। आउटर वाला तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन इनर वाले के लिए डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट जो मेथड है इसको हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे ये एक्चुअली में होते क्या है। तो इन शॉर्ट अभी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपने अंदर से कोई भी मटेरियल लिया, जैसे अर्थ वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो के थ्रू कोई भी मैग्मा के साथ कुछ भी मिनरल्स वगैरह निकले तो हम बता सकते हैं कि अंदर किस चीज़ का बना हुआ है। और इनडायरेक्ट जैसे वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, साइंटिफिकली होती हैं सब कुछ, वो हम आगे देखेंगे कि कुछ एक वेव्स भेजते हैं। जैसे अर्थक्वेक होता है ना तो वो वाइब्रेशन जनरेट करता है, तो वो वेव्स होती हैं। तो उन वेव्स से भी हम पता लगा सकते हैं कि अंदर किस टाइप का मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, किस स्टेट में है अर्थ। तो ये सब कुछ हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इनसाइड ऑन आवर अर्थ पढ़ना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या क्या। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक ये होता है तुम्हारा क्रस्ट जिस पे हम खड़े हैं, ये क्रस्ट है। फिर इसके बाद आगे चल के ये मानो ये ओशियन है, ये साइड में जो ये दिख रहा है ना ये वाला, इस पे फोकस करो अभी। ये तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये तुम्हारा ओशनिक क्रस्ट हो गया। अब इसकी जो लेंथ देखो, ये जो डेप्थ देखो, ये डेप्थ है ना दोनों तरफ वेरी करेगी। तो इसकी जो डेप्थ होती ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, वो 60-70 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट की जो डेप्थ होती ना वो 5-10 किलोमीटर तक ही रहती है। इस अर्थ का जो लेयर्स है ना, सपोज करो एक ऑनियन है, तो ऑनियन का अगर तुम आउटर वाला रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, एक और लेयर आएगी। फिर क्या हटा दोगे, फिर क्या होगा, एक और लेयर आएगी। फिर हटा दोगे और क्या, एक और लेयर आएगी। तो अर्थ में ऐसे तुम हटाते जाओगे ना तो उसका स्टेट चेंज होता जाएगा। जैसे पहले सॉलिड रहेगा, फिर लिक्विड आ जाएगा, इस तरीके से तो चेंज होता जाएगा। तो उसी के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी हुआ, टेम्परेचर, प्रेशर, इनके बेसिस पे अर्थ के जो ये इनर है, जो इनर ऑफ अर्थ है उसको डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड का कैसे किया गया है, सबसे ऊपर का पार्ट है उसको बोला गया है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर। तो क्रस्ट की जो डेप्थ हमने देखी 5-70 किलोमीटर चली जाती है, मेंटल की डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर होती है, और कोर की जो डेप्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर होती है। तो जो क्रस्ट होता है ना इसमें कौन कौन सा मिनरल होता है, तो एक होता है सिलिका, एक होता है एल्यूमिनियम, तो इसको हम बोलते हैं सियाल। ऐसे ही मेंटल में क्या होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसको हम बोलते हैं सीमा। और जो कोर होता है ना, कोर के अंदर निकल प्लस फेरस होता है जो कि आयरन हो गया, निकल प्लस फेरस, इसको हम बोलते हैं नाइफ। ये अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हम आगे जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाएंगे ना तो हम पूरा डिटेल में इसमें देखते जाएंगे। तो ये पूरा पता चल गया। अब देखो इसमें क्या होता है, क्रस्ट की मैंने लाइन करी है, तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री होगी, कुछ जोन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा, एक मेंटल से कोर के बीच में होगा। ऐसे ना जोन्स होते हैं, तो जोन्स के भी कुछ नाम होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी इस मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, तो इस चैप्टर में जितना दिया हुआ है ना अपन उसके वाइज चलेंगे। अब जैसे क्लास 8th में जाएंगे तो हम उसके वाइज चलेंगे, क्लास 9th में जाएंगे तो हम उसके वाइज चलेंगे। ओके, तो एक जनरल नॉलेज वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो जो डीपेस्ट माइन है ना, डीपेस्ट माइन वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, लगभग 4 किलोमीटर है, लेकिन उसी में जो होल किया गया है ना वो 6 किलोमीटर तक चला जाता है। तो ये क्यों किया है, ये होल ऑयल के लिए, ऑयल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑयल को सर्च करने के लिए ये पूरा होल किया गया है। तो जो क्रस्ट मैंने बताया, ये वाला क्रस्ट, ये 1% ही होता है अर्थ के वॉल्यूम का। ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया कवर कर रहा है, अपन को सिर्फ क्रस्ट ही क्रस्ट दिखता है, बहुत होगा, नहीं,
इसके अंदर भी बहुत कुछ है। तो ये 1+1% ही है अर्थ के वॉल्यूम का, और जो मेंटल होता है वो होता है 84%, और जो कोर होता है वो होता है 15%। ओके, याद रहेगा। देखो, क्रस्ट होता है 1%, मेंटल होता है 84%, कोर होता है 15%। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट था जो चैप्टर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट इज रॉक्स। बताया ये क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट किस चीज की बनी हुई है? ये रॉक्स की बनी हुई है। तो जो मिनरल्स होते हैं ना अर्थ के अंदर से जाते हैं या बाहर हैं या एक साथ पूरा फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, जुड़ जुड़ के बनते हैं, तो सॉलिडिफाई होने के बाद उसको हम बोलते हैं रॉक्स। तो देखो, तीन तरह के रॉक्स होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंटरी रॉक, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस का जो इग्नियस जो वर्ड है ना, वो आया ही वो लैटिन वर्ड है, एक इग्निस करके एक लैटिन वर्ड है, उससे आया है इग्नियस रॉक। तो इग्निस का मतलब होता है फायर। तो देखो, बहुत गर्म चीज से बना है, जो एकदम बहुत गर्म आ रहा है। तो सपोज ये एक होल है अर्थ के अंदर, ये अर्थ के अंदर है मैग्मा, यहाँ से कोई भी चीज़ निकल के आ रहा है, तो ये इस तरीके से फ्लो होगा, ये फ्लो होके सॉलिडिफाई होगा ना, तो ये रॉक्स बनते हैं। तो इतना गर्म होता है, तो इसलिए इग्निस को बोलते हैं फायर। तो ये फायर टाइप्स होता है, बहुत गर्म होता है, और उसके बाद वो सॉलिडिफाई होता है तो रॉक बनता है। तो इग्नियस जो रॉक होते हैं ना, दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंट्रूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होगा और इंट्रूसिव में क्या होगा? देखो, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सटर्नल, इंट्रूसिव मतलब इंटरनल। अगर अंदर से मैग्मा आया, अगर यहीं कहीं सॉलिडिफाई हो गया तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव, और अगर बाहर सॉलिडिफाई हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव। ओके, तो देखो, इंट्रूसिव कोई भी चीज़ अंदर है, अंदर धीरे धीरे स्लोली ठंडी होगी, स्लोली ठंडी होगी देंगे, तो क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टलाइन रॉक होता है अंदर वाला। और एक होता है एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में क्या होगा? जो ग्रेन साइज होता है ना, जो क्रिस्टल्स के साइज होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, तो इग्नियस का हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बसाल्ट ले लो, बसाल्ट एक इग्नियस रॉक है। तो जैसे हमारा इंडिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इधर मध्य प्रदेश है, इस तरफ में जो ये पूरा काली मिट्टी मिलती है ना, तो इसके आसपास का जो पूरा ये एरिया है ना, ये तुम्हारा बेसाल्टिक रॉक है। तो ये बेसाल्टिक रॉक यहाँ आया कैसे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वो हम आगे फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो इसका इग्नियस का एक एग्जाम्पल हो गया बेसाल्टिक। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे बेसाल्टिक हुआ इग्नियस का, इंट्रूसिव का हम देखेंगे, तो ये होगा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट होता है ना, वो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अंदर ठंडा हो जाता है, अंदर ठंडा होने के बाद इसके क्रिस्टलाइंस बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये ग्रेनाइट इंट्रूसिव का है, और बसाल्टिक बाहर आके ठंडा हुआ, तो ये एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें क्या हुआ, पहले एक रॉक बना, सपोज इसको मैंने ऐसे लुढ़का दिया, तो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर और आएगा, फिर और छोटे टुकड़े होंगे, फिर और आएगा, और छोटे टुकड़े। सपोज करो ये स्लोप है ना, इस तरीके से एकदम स्ट्रेट हो गया, नीचे आके पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ क्या होगा, पूरा एकदम इकट्ठा होता जाएगा, पूरा जो कुछ भी होगा, बरसात होगी, फोर्स लगेगा, विंड चलेगी। तो उसके साथ ही अगर ये सॉलिडिफाई हो गया, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे, अगर इनको सॉलिडिफाई कर देंगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। अब देखो क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, इसमें फॉसिल्स मिलता है, फॉसिल्स मिलता है। इग्नियस में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इग्नियस में का मतलब ही क्या होता है, फायर। वो इतना गर्म होता है कि इसके अंदर के जो फॉसिल्स होते हैं ना, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स है, सपोज ये ऐसे आया, ये एक पिट हो गया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज ऐसे प्लांट्स वगैरह कुछ थे, यहाँ पे एक रॉक आया, अगर ये पूरा बरसात से या हवा से ये फ्रेगमेंट ऐसे ऐसे इसमें डिपोजिट होते गए, तो ये जो प्लांट था ना, ये तो पूरा इसके अंदर चला जाएगा। तो ये अंदर चला जाएगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना इसके अंदर के, पूरे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उससे बनेगा फॉसिल्स, क्योंकि वो बहुत सालों तक दबा रहेगा ना, तो हाई प्रेशर हो जाएगा,
हाई प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे ना वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल्स जैसे हम लेते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एग्जाम्पल है ना वो है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन ठीक है, ये किससे बनता है? ग्रेन ऑफ सैंड, नाम में ही है यार सैंड स्टोन, तो ग्रेन ऑफ सैंड। जो रॉक्स है ना इसमें फॉसिल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया किस किस के फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स के हो सकते हैं, एनिमल्स के होते हैं, किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। इस फिगर पे फोकस करो, देखो ये है इग्नियस रॉक, ये है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे मैंने बताया सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक बना होगा, वो अगर रॉक को हम फ्रैगमेंट करेंगे उसका वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब होता है जैसे रेन से या हवा से वो टूटने लगेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे ना, और फिर उसके बाद जो बनेगा ना अगर उसको कंप्रेस करके फोर्सफुली वो इकट्ठे हो जाएंगे तो सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्री, उससे कॉम्पैक्शन से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट एंड प्रेशर देंगे ना तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, और अगर इग्नियस रॉक को हीट एंड प्रेशर देंगे ना तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। पॉइंट इज मेटामॉर्फिक रॉक रॉक होता क्या है? तो सपोज ये एक रॉक है, ये ए बी कुछ इस तरीके से बी सी ऐसा कुछ है। अब ये इसको बहुत हीट एंड प्रेशर के अंडर डाला, तो सपोज करो ये ऐसे हो गया ए सी बी बी या समथिंग समथिंग कुछ, ये एक ऐसे एग्जांपल लिया है। अंदर ही चेंज हुआ है जो कुछ हुआ है, बाहर कुछ नहीं, अंदर ही जो चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें तो अभी देखो यहाँ पे इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना ये हमें पता चल गया, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री और उसके बाद मेटामॉर्फिक बन सकता है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सपोज करो क्ले है, क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में। और लाइमस्टोन है वो चेंज होता है मार्बल में, ये मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो रॉक होते हैं ना ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्यों? जो हार्ड रॉक होते हैं ना वो काम आते हैं रोड मेकिंग में, हाउस मेकिंग में, बिल्डिंग्स में, जेम्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि सेवन स्टोन हो गया। जैसे कई बार अपन पता है ना पिट्टू खेलते हैं, जो हम सितोलिया भी बोलते हैं उसको, तो वो पिट्टू होता है, तो वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि बचपन में कि रॉक्स इतने सब चीज़ों से निकल के बनते हैं ये, जिससे हम खेलते थे। तो अभी अपन ने देखा कि एक डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एक रॉक दूसरे रॉक्स में चेंज हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। तो ये है ना, ये रॉक साइकिल है, जो इग्नियस से सेडिमेंट्री गया, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक गया, इग्नियस से मेटामॉर्फिक गया, और मेटामॉर्फिक वापस अगर मेल्ट हुआ तो मैग्मा बनेगा, मैग्मा से वापस गया तो वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स से बनते हैं, मिनरल्स नेचुरली बनता है मिनरल्स, जो कि जैसे मैंने बताया इग्नियस रॉक्स वर्क कैसे बनता है उसी तरीके से मिनरल्स पूरा बन जाता है। तो बनने के बाद ये मिनरल्स हमारे कहाँ कहाँ यूज़ आता है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे 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 यूज़ आता है, रोड बिल्डिंग हाउसिंग वगैरह में। अब जैसे कोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब कुछ रॉक्स की बदौलत है। जिस तरीके से रॉक्स चेंज करते हैं अपने आपको इधर से उधर करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को चेंज करके फॉसिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, तो कितनी जगह है जहाँ पर ये रॉक्स यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ना वो आएगा चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, कि अर्थ किस तरीके से चेंज हो रही है। इसमें हम वॉल्केनोज वगैरह के बारे में देखेंगे, जो भी लैंड फॉर्म्स बनता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट कीजिए, कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।